चांद रात है और इतनी हमारी शेर बन रही है, कैसे रेड। ईद तो बच्चों की। चले जी अब ये बनाते हैं। कैसा लगा आपको मेरा ये वाला डिजर्ट? ये देखें टमाटरों वाला मटन बनाया है। जो मेरी तरह कुर्बानी का गोश्त नहीं खाते। ये चांद रात है और इतना ज्यादा रश है बाहर, और इस टाइम रात के 12 बज रहे हैं और शदीद रश है। ये हमारी शीर बन रही है, देखो कैसे रेड रेड कलर की। इसको कहते हैं शीर खुरमा। इसमें बहुत सी चीज़ें करते हैं, खजूर, किशमिश, नारियल, पिस्ता, बादाम और बहुत कुछ। अभी जब ये तैयार होगी तो पता चलेगा कि ये क्या चीज़ बनी है। आपने बनाई बकरा ईद पे शीर? ईद तो बच्चों की होती है और मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। और ये देखें कितनी प्यारी मेहंदी लगाई है, ये देखें। जिसने मेहंदी नहीं लगाई वो ये वाला डिज़ाइन बना सकता है। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, शेप बनी हुई है। चले जी अब ये बनाते हैं। देखती हूँ मैं क्या इसमें क्या क्या डालती हूँ और क्या बनाती हूँ वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। लेकिन इस टाइम मौसम इतना प्यारा हो रहा है और मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। ये वाली गोश्त वाली ये देखें। अच्छा आपको पता है कि मुझे नए नए मीठे ट्राई करने का बहुत शौक है, तो आज मैं ये ट्राई करती हूँ। ये देखें मैंने पहले बाउल में, और मैं हाथों से डालूँगी क्योंकि हाथों से डालने का जो मज़ा है ना वो किसी और चीज़ से नहीं है। ये देखिए मैंगो डाला इसमें, उसके बाद मैं इसमें शीर डाल दूंगी और फिर मैंगो की टॉपिंग करूंगी। कभी खाई है आपने शीर के ऊपर मैंगो? ये देखें कितना मज़े का लगेगा। और दोबारा से ये देखें, कभी ट्राई ज़रूर करें कि ये उल्टे सीधे मीठे बनाती रहती है, और आप भी ज़रूर ट्राई करें, आपको भी बहुत मज़ा आएगा ये खाने का। ये देखें, देखा मैं कितने क्विक ये डिज़र्ट बना लेती हूँ। कैसा लगा आपको मेरा ये वाला डिज़र्ट? तो ट्राई ज़रूर करें। हम शीर तो खाते हैं वैसे ही, और इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें टमाटरों वाला मटन बनाया है। इसमें टमाटर डाल के मैंने बनाया, प्याज नहीं डाली, अदरक लहसुन टमाटर और हरी मिर्च, हरी मिर्चों के साथ बनाया है। और ये देखिए कितना मज़े का लग रहा है, ज़रा टेस्ट चेंज हो जाता है। अल्लाह का शुक्र है मौसम इतना अच्छा हो गया है, इतनी प्यारे बादल आ रहे हैं और सूरज देखे कितना प्यारा लग रहा है। काले काले बादल, ठंडी ठंडी हवा, जितनी शदीद गर्मी थी उतना ही अल्लाह ताला ने मौसम अच्छा कर दिया। सूरज का कलर इतना प्यारा लग रहा है कि मेरे कैमरे में वैसा कलर नहीं आ रहा जैसा ये नज़र आ रहा है।
और फिर ये रात को हम अपनी खाला के घर चले गए। वहाँ पे हमने बहुत मज़े का खाना खाया, इतना मज़े का बना हुआ था कि मैं कुर्बानी का गोश्त खाती नहीं हूँ, लेकिन मैंने बड़े मज़े से खाया। तो ये नमकीन गोश्त बना हुआ था और मसाले वाला गोश्त बना हुआ था, बहुत मज़ा आया। उसके अलावा वहाँ पे खीर भी थी, वो भी खा के हमें बहुत मज़ा आया, बहुत मज़े की बनी हुई थी। और मिट्टी के बर्तन में खीर हो तो उसका तो मज़ा दुबाला हो जाता है। जी।